हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे ये एक गोभी ली है मैंने, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इस तरह के मैंने बड़े बड़े पीसेस में इसे कट कर लिया है क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो इसके पीसेस हम थोड़े से बड़े ही रखेंगे। और अब मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी 10 मिनट के लिए। आधा ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव करने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसे गैस के ऊपर भी पानी में 7 से 8 मिनट तक ब्लांच कर सकती हैं। तो 10 मिनट बाद ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देखिए पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम एक बाउल में 3 बड़े चम्मच मैदा ले लेंगे, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें अब मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी ना करें इसे। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और इसके बाद एक एक करके हम गोभी के सारे पीसेस को इस बैटर में डिप करेंगे और अच्छे से कोट होने के बाद इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से इसे अब हम तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए और साथ ही साथ क्रिस्पी भी हो जाए। इसे हम बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से कुक हो जाए और क्रंची होने तक इसे हमें फ्राई करना है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बची हुई गोभी के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। गोभी यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो गई है, तो इसे अब हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह भी एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी होता है। लेकिन अब हम इसे मंचूरियन बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लें। यहाँ पे मैं सेम ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने गोभी फ्राई की थी और इसमें अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। इन सारे चीज़ों को हम 1 मिनट तक के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर और 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें अब आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने के लिए रखेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके रख लेंगे और जैसे ही ये बॉईल होना शुरू हो जाए हम कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम अब लो कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें गोभी के पीसेस ऐड करेंगे जिसे हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था और इन सारे पीसेस को हम अच्छे से कोट कर लेंगे।
बारीक कटी हुई कोथमीर ऐड करेंगे इसमें। और देखिए हमारी जो डिश है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो गैस बंद कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे अब। तो गोभी मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी। और जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।